नैनीताल की होली, कृष्ण कुमार सांझी हमारे बीच में है, ये 84 वर्षीय, और इन्होंने बचपन से होली के रंगों को खूब जिया है, खूब देखा है। कुमैया शाह करके इनका परिवार यहाँ का सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित परिवारों में से इनका परिवार है, और इनकी आप भी इनकी तड़क, इनकी जो ललक है कि किसी तरीके से हमारी ये परंपरा बनी रहे, जमी रहे। इन्होंने किस प्रकार से बचपन में होली के रंग को देखा और किस हालात में आज हम पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगा कि सांझी से इस बारे में आप प्रकाश डालेंगे। इसमें तो मुख्य यह है कि होली का सुनने का बड़ा शौक था। पिताजी वैसे हमारे थे, इंटरेस्टेड तो थे नहीं, पर उनके मित्र थे यहाँ तारा दत्त पंत जी तारा लॉज में, तो वहाँ होली की चर्चा होती थी, होली होती थी पूरे पूस को इतवार से छरड़ी टीके तक। तो उन्होंने कहा होगा शायद फादर से कि इतना कर तो होली ये करा ले तो साल में, उन्होंने कहा ठीक है, तो एक एक होली वो साल में एक समय बैठक कराते थे। उसके बाद मुझे शौक चढ़ा था तो एक से एक सुंदर गाने होली, इसका पता नहीं एकदम दिमाग में क्या असर हुआ, मैंने कहा इसके बराबर तो कोई बढ़िया त्योहार ही नहीं है। तो लगा रहा, पहले तो बहुत लोग मिलते थे, आना जाना होता था, कहीं जगह बिना बुलाए भी जाते थे वो थे, पर यही है कि अब अभी वर्तमान में तो बड़ा लंबा इतिहास है इसका। नैनीताल की होली तो इतनी मशहूर थी अल्मोड़ी की, पर अब बहुत दुख होता है देख के कि ये कुछ भी यहाँ कोई नवयुवक पीढ़ी तो कुछ कर ही नहीं, दो चार लोग हैं नैनीताल में जो कि तन मन धन से जुड़े हुए हैं, पर ये चेतना जागृत नहीं हो रही, सबसे बुरी बात ही है। तो मैं चाह रहा हूँ इस मामले में नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बाकी इस तरह कुछ लोग मिलके एक ज्वाइंट एफर्ट करके कर लें कि हर जगह इसका उत्थान होता रहे, तो ये मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। हाँ, ये पुराने उन गायकों को जो आपके समय में, आपने तो बहुत बचपन से वो देखा है, कुछ का यादें आपको हर उसमें, जैसा होता है हम लोग होली जब गाते हैं, होली जब करते हैं तो उनकी एक यादें होता है, उनका स्मरण आता है, रोना भी आता है, उनकी यादें आती हैं, तो आप उन कुछ ऐसे नाम जो आपने बहुत सुरीले जो पुराने गायक सुने महफिलों के। सबसे पहले तो मैंने यहाँ जब मैं शारदा संघ में जाता था और उससे पहले जो यहाँ आते थे तो उसमें मल्लिताल प्यारे साजी थे, तो जी वो जिस समय धमार गाते थे बहुत ही बढ़िया लगता था। पहले मैंने उनका तब तो याद पता नहीं होता था कि धमार क्या है, राग क्या है, सिर्फ गाने से मतलब और मिठास थे, तो उनका सुनता था गाना। उसके बाद वहाँ पर ये पुराने लोग थे, नित्यानंद पंत जी थे और हरिश्चंद्र जोशी जी और हीरा बल्लभ जी, ये तारनाथ में बहुत लोग मिलते थे ये। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो यहाँ के शिवलाल जी होगे, भवानी दास वर्मा होगे और मोहन सिंह जी, इन लोगों को सुना। तो मल्लिताल से और लाते थे बाद में, फिर प्यार लाल शाह जी के साथ बिहारी लाल जी उनके और पूरन शाह जी आए। ये एक इस जो एक टाइम था, एक तो इनका था, उसके बाद बढ़ते बड़ा बढ़िया लगने वाला लगता था। उसके बाद दूसरे में जैसे जब अलवर से जवाहरलाल जी का यहाँ ट्रांसफर हो गया था, उनके साथ फिर कभी कभी शिवलाल अच्छन मासा आ जाता थे, पीरसा हो गए और ये लोगों का बड़ा अच्छा गुट था। फिर यहाँ तारा प्रसाद पांडे जी आए, उनके भाई गुरबादत्त पांडे जी रहे, उनकी वजह से इतने तो बहुत ही काम किया नैनीताल में रह के। गुरबादत्त जी ने तो यहाँ इतना कर दिया, खुद जाके हरे को निमंत्रण, कभी कभी हमारे 5-6 साल तक तो ऐसी होली हुई कि पौष के प्रथम इतवार से दिवाली छलड़ी, ये होली छलड़ी तक टीके तक होली रेगुलरली, बर्फ भी पड़ती थी, वो भी अब तो 3-4 लोग होते थे, तो गुरबादत्त पांडे जी का बहुत ही उसमें योगदान रहा। उनकी वजह से उनके भाई आ जाते थे, जब वह बैठे वो सयाने आदमी थे, उनकी वजह से नित्यानंद जी और बुजुर्ग लोग आ जाते थे बैठने के लिए,
और यहाँ पर उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा वहाँ कन्नू उस्ताद जैसे दिनेश चंद्र जोशी हो गए, रमेश जोशी हो गए, और इनका जवाहरलाल जी के लड़के अनूप शाह हो गए, इन लोगों ने बहुत ही एक वो जैसा बीच में अरमोड़ सिंह के कला राज थे, वो देवी उस्ताद वगैरह उनका भी यहाँ एक जमाव होता था। तो इतना लंबा सब्जेक्ट है ये, तो एक के बाद और ऐसी सिटी होती थी मेरे ख्याल में। यहाँ तो मैं तुम कृपा ही कहूंगा कि कोई आर्टिस्ट कुमाऊं का ऐसा नहीं होगा जो यहाँ आके इन्हें गाया गया हो, बहुत ही हरेक ने यहाँ आके गाया, मुझे इसका बड़ा गर्व भी है क्योंकि और यहाँ साधु संत तो रहे हैं पर इनकी वजह से ऐसा लगता था कि होली की एक जिसे कहते हैं लाइफ सक्सेसफुल हो गई। लाइफ में आदमी आता है तो कोई ध्येय से आता है, तो मेरा तो ध्येय यही था कि रामलीला और कम से कम होली दो चीज जो हमारे बुजुर्गों की दी है इनको उन्नति की जाए, तो इन लोगों ने बड़ी हेल्प की। पर अब इस समय बड़ा दुख होता है कि बहुत कम लोग हैं और ज्यादातर ये लोग होंगे, पहले से बैठक होती थी एक जगह बैठते थे तो 3-4-5 घंटे, अब तो वे 1 घंटे बैठे अपने वहां जाना है या वहां जाना है, इस तरह से बिल्कुल जब हम पहाड़ी में कहते खड़बड़ा जाती है, एक जगह बैठ लो 15-20 दिन का पूरा प्रोग्राम सेट कर लो, इसके वहां ये होगी तो बड़ा अच्छा होगा, ये मेरी बड़ी इच्छा। और इसमें तो आपने तो बहुत जिद्दा किया है, मैं तो हर एक उसको जानता ही है, आपने हल्द्वानी में तो जो कुछ है आपकी वजह से है, अल्मोड़े में है या, पर यही है कि यहाँ किसी तरह मिलके कुछ इसमें उत्थान हो जाए तो ये बड़ी मैं तो सौभाग्य की बात कहूंगा। नहीं कि बहुत ही चैलेंजिंग एक ये बहुत उस किस्म का कि है इस समय, और हम देख रहे हैं जैसे आ रहा है हमारा ये जो समय इस समय संस्थागत रूप से प्रोग्राम हो रहे हैं, अब हल्द्वानी में करना हम लोग के लिए भी बड़ा एक चैलेंज है, और उसके अलावा जो बाहर हम गए मंचीय प्रस्तुतियों के रूप में भी इसको ना पहले भी हमने देखा होगा, तो कुछ अभी देखा होगा आपने कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं नैनीताल में, एक तो जो बाहर से लोग करते थे, उसके अलावा ये रहा कि लोग एकल गा रहे हैं उसको ये नहीं जैसे आप कह रहे हो आप क्रिटिसाइज करना उसको उत्साहित नहीं करने छोड़ के, ये सबसे बड़ा है। तो इस बारे में थोड़ा सा क्योंकि आज चीजों को बढ़ाने के लिए हमको लंबी लाइन तो खींचनी पड़ेगी, और इस ओर में जैसे आप जैसे लोग इतने सहने लोग हैं और आपका बहुत सत्प्रयास है इसमें, लोग जुड़े जरूर जुटेंगे इसमें। मैं तो इसमें ये कहता हूँ ना कि कभी डिफर भी करता हूँ क्योंकि मैंने जिस माहौल से मैंने होली सुनना शुरू किया पहले से बंद कमरे में होली होती तो वहां एक वाइब्रेशन होते थे तो उसका आनंद दूसरा होता। अब इसमें दो भाग में है, एक तो सीखने वालों के लिए, दूसरा गाने वालों के लिए। तो मैं कहता हूँ जो लोग सुन रहे और गाने वाले हैं उनके लिए दोपहर कमरा बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी चीज इसको अगर आप पब्लिक में कर दें तो जो लोग खाली टाइम काटने के लिए आएंगे और उनको सुनने से कोई मतलब नहीं वहां पर आएंगे तो इससे होली का माहौल बिगड़ जाएगा। इस पर लोग कहते कि नहीं होली को बाहर लाना चाहिए था तब यंग जनरेशन, मैंने कहा कि अगर जिसको वेयर देयर इज विल देयर इज वेयर, अगर यंग जनरेशन चाहती थी तो कमरे में भी आ सकती है, कोई उनको मना नहीं करता था। अभी कन्नू थे या इन सब लोगों ने कमरे में जाके सीखा, मंच में तो ऐसा था ठीक है पब्लिक के लिए एक दिखावा, मंच का हमारे भेद भी नहीं है इसमें तो सभी जुड़े हैं सबने गाना है। तो कमरे होली जो है कमरे के अंदर की है, चाहे 10 आदमी हो 20 आदमी हो, क्योंकि उसमें ऐसा तो हर एक अपनी उन्हें बाहर तो उतना आदमी खेल नहीं सकता, कमरे के अंदर आपस में बड़ा एक प्रेम भाव रहता है और अपने पूरे दिल से गा सकता है, ये मेरा उसमें ये है। चलिए आपके बहुत सुंदर आइए क्या कहते हैं इस तरीके से ये आप नैनीताल में इतने वर्षों से जो आपने बचपन से कम 7-6 साल से आपने होली करी तो पूरे 80 साल तक आपने होली को यहाँ पर जिया है और आगे भी आपके संरक्षण में खूब। मैं तो मुख्य और इस समय जब तो पिछले कई वर्षों से आपका नाम बहुत सुना था, मैंने फोन भी किया फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्या है, पर जब आपसे मिला मैं पहली बार तो मैंने कहा कि ये संसार में ऐसे ऐसे भी लोग हैं बिना कि केवल अपनी ही, क्योंकि किसी देश या किसी स्थान की जो पहचान होती है वहां की संस्कृति और लोक गीत उससे होती है, तो आपने इसको इतना रखा कि एक पहचान हमारी हल्द्वानी की एक पहचान कुमाऊं की ऐसे बनी रहेगी हमेशा,
तो हर एक इसमें यहाँ की अल्पण है, संगीत है, लोक संगीत है, और कितनी चीजें लुप्त हो रही हैं, जैसे संगीत में लीजिए ऋतुरैन, चैती और ये न्योली सब गायब हो रही है, और अपन में सब चीज गायब हो रही है। पहले से दीवारों में मैं देखता था हमारे ग्रीन मदर वगैरह, वो न्योता नहीं, और ये लिखना पढ़ना, और विश्वसनीय दिवाली के बाद वो टकटकुआ वगैरह कितनी चीजें होती है, अब तो नाम भी याद नहीं है और सब भूल गए। वो अब कुछ नहीं है, चूल्हे लीपते थे, वो करते थे, पर ये चीजें अगर रह जाएं तो चाहे कुछ से प्राप्ति कुछ नहीं होगी, परंतु एक हमारे बुजुर्गों के लिए हमारा एक आदर सम्मान बना रहेगा।